नेक्स्ट इज y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं y इक्वल टू x पावर x पावर x. क्या क्वेश्चन है? y इक्वल टू x पावर x पावर x, तीन बार पावर है. क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे log, तो log y इक्वल टू log x पावर x पावर x. एक कॉमन मिस्टेक है जो बता दूं, आप लोग ध्यान रखिए ऐसा ना कर दें आप, कि पहले इस x को लाए और फिर इस x को लाए तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. क्या करेंगे? पूरी पावर कंप्लीटली मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये मिलेगा x पावर x log ऑफ x. अब यहां पर x पावर x है और log x है, एक बार और हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो log log y इक्वल टू log ऑफ x पावर x log x. क्या होगा? अब ये मिला आपको log log y, यहां पर फिर m प्लस n लगा, तो x पावर x प्लस log log x, देन ये हो जाएगा log log y इक्वल टू x log x प्लस log log x. अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन. याद रखिए यहां पर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई के, तो वन अपॉन पहले आएगा log y, log y का करेंगे तो y, और y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx इक्वल टू, यहां पर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगेगा रिमेंबर. तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस log log x का करेंगे तो 1 अपॉन x log x. फाइनली dy by dx क्या मिलेगा? y log y 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x. अब या तो यही फॉर्म में आंसर दे दें या y की वैल्यू पुट अप कर दें. y की वैल्यू x पावर x, एंड रिमेंबर log y की वैल्यू क्या है? x पावर x log x, x पावर x log x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x. ये क्लियर है? नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. y इक्वल टू log x टू द पावर log x. क्या करेंगे? देन अगेन log लिया, log y इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर log x. log y इक्वल टू log x मल्टीप्लाई में आया log log x. देन क्या करेंगे? इसको अब डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे. तो log y पहले इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मूला भी लगेगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x log x प्लस log log x इनटू dy by dx x, दिस इज 1 by x. फाइनली dy by dx मिलेगा y टाइम्स ऑफ log x से log x कैंसिल, 1 by x प्लस 1 अपॉन x, और ये मिलेगा log log x. tan इनवर्स x टू द पावर x. क्या करेंगे? सबसे पहले log लेंगे, तो log y इक्वल टू log ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर x. क्या होगा? x मल्टीप्लाई में आएगा ऑब्वियसली, तो x log tan इनवर्स x. डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log t का 1 अपॉन t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस log ऑफ tan इनवर्स x इनटू x का 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dy by dx. अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे.
वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स टू द पावर सपोज साइन एक्स हो, कॉस एक्स पावर साइन एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स क्या आएगा, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएशन किया वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग टी का वन अपॉन टी इंटू टी माइनस साइन एक्स प्लस ऑफ लॉग कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इज वाई इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स पावर टेन एक्स प्लस टेन एक्स पावर एक्स। लॉग लिया, लॉग वाई इक्वल टू टेन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग टेन एक्स। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा और अब तक मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों नहीं बताया था वो बताता हूँ। जब कभी भी बीच में प्लस माइनस आता है तो भी, क्योंकि हमें आदत हो जाती है प्रैक्टिस की, पावर को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो जल्दबाजी में ये लिखा जा सकता है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर लॉग बीच में प्लस है, लॉग नहीं ले सकते। ऐसे फंक्शन को अगर मेथड से करना होता तो हम क्या करते, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर यू इक्वल टू एक फंक्शन यू ले लेते आप, यहाँ लिखता हूँ यू इक्वल टू मैं मानता एक्स पावर टेन एक्स एंड वी इक्वल टू टेन एक्स की पावर एक्स। याद रखिएगा कभी भी बीच में प्लस माइनस हो तो लॉग नहीं लेना, लॉग का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल मल्टीप्लाई या डिवीजन होने पर ही ऐसा लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा और फिर कट किया है। तो आप क्या करेंगे, आपने एक को यू लिया एक को वी लिया, अब डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन वन दे के छोड़ दीजिए, डी यू बाई डी एक्स या डी वी बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिलेगा। अब यदि मैं इसका लॉग लूँ, सबसे पहले इस फंक्शन को करते हैं सॉल्व, यदि मैं इसका लॉग लूँ तो ये ऐसा होगा लॉग यू इक्वल टू टेन एक्स, अब स्टेप लिखते हैं कम, इंटू लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएशन किया वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, देन फाइनली डी यू बाई डी एक्स मिला यू टाइम्स ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यू की वैल्यू रख दीजिए तो ये मिलेगा एक्स पावर टेन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी डी यू बाई डी एक्स निकल गया। सिमिलरली यहाँ से हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, इस पर बहुत ध्यान रखना अच्छे से। चलिए अब इस पर आते हैं, v इक्वल टू क्या है हमारे पास टेन एक्स टू दी पावर एक्स, लॉग लेंगे क्या होगा लॉग v इक्वल टू एक्स लॉग टेन एक्स वन अपॉन v
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग टी का वन अपॉन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स टी प्लस लॉग टेन एक्स और एक्स का वन हो गया। अब देखिए डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो वी इंटू एक्स दिस इज वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स। आप क्या करोगे एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा एक कॉस बचेगा जो इसके साथ आएगा तो वी अपॉन वन अपॉन ये एक्स इंटू है तो एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स और वी की वैल्यू रख दीजिए वी की वैल्यू क्या है वी की वैल्यू है टेन एक्स टू दी पावर एक्स तो ये दोनों चीज़ें यहाँ आ जाएंगी तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ऑफ टेन एक्स टू दी पावर एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स। बस जो मिस्टेक पॉसिबल थी वो पहले लिख ली ये मिस्टेक नहीं करनी है।